सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी, मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं, एक्सटोर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अच्छा, एक और बात, आपने जयराम जी आपने कहा कि जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछेंगे और ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटीड पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। आजकल गारंटी का जमाना है राहुल जी। पहला सवाल महिकार सिंह जी, हिंदुस्तान हिंदी डेली से। माइक दीजिएगा। राहुल जी स्वागत है आपका। दोनों नेताओं, जबकि आज प्रचार का पहला चरण समाप्त होने वाला है, आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कसरत करा दी, वो दिल्ली से यहाँ आए हैं। आपने गाजियाबाद में ही क्यों पीसी की? यूपी और दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद में पीसी हो रही है। दूसरा सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए।